कदों जांदी जांदी मेरे नाल गल कर गई करदी सी पता हाथे उत्ते टाइम दा दूर जांदी देख मेरा दिल सहमदा कहिंदी मैनू मेरे कोलों हाथ छड़ा के हुण जांदे हो गए 9:45 ओए ओए तू सोहणी बाली करदा दिल मिलण नू काली खातों तू डरदी कुड़िए ला लई सर वीडियो टाइम। अरे यार इतना अच्छा ऑडियो चल रहा था। चलो कोई बात नहीं, हमारे व्यूअर्स को भी दिखाते हैं कि आज का ऑडियो क्यों इतना खास है, क्योंकि जो आज स्कॉर्पियो एंड गाड़ी साई ऑटो में आई है, द बिग डैडीज ऑफ ऑल एसयूवी के अंदर बिग डैडीज ऑफ ऑल ऑडियो हमने इसमें इंस्टॉल किया है। हाँ जी सर, आज हमने ऑडिसन इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉलेशन की है। मैं पूरे सेटअप की डिटेल्स भी आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। ये सेटअप है जो हमने पूरी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया है। जो फ्रंट हमारे कंपोनेंट्स हमने इंस्टॉल किए हैं वो है APK 165P, जो प्राइमा सीरीज़ के प्राइमा प्रो वर्जन आते हैं, जिसके अंदर ड्यूअल क्रॉसओवर्स दिए हुए हैं, एक क्रॉसओवर आपके सब वूफर के लिए, एक क्रॉसओवर आपके ट्विटर के लिए। रियर डोर्स में हमने जो स्पीकर्स इंस्टॉल किए हैं वो ऑडिसन की APK 165 सीरीज़ हमने इसमें इंस्टॉल की है। जो 165P है इसके मैग्नेट्स थोड़े से हैवी आते हैं, प्लस ये ड्यूअल क्रॉसओवर स्पीकर्स है। इसकी 115W RMS वैल्यू है एंड 345W के ये स्पीकर्स है। 300W के स्पीकर्स हमने रियर डोर्स में इंस्टॉल किए हैं जो APK 165 है, और इसकी RMS वैल्यू भी 100 आती है। सोनी का GS4 एम्पलीफायर हमने इसे पावर करने के लिए इंस्टॉल किया है। स्कॉर्पियो Z8 सीरीज़ ये है, स्कॉर्पियो N की Z8 सीरीज़ है। काफ़ी टॉप ऑफ द लाइन ये गाड़ी आई हुई है, इसके अंदर काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा हुआ था ही, बट अगर आप एक ऑडियो पैशनेट हो तो ये जो कंपनी जो स्टॉक स्पीकर्स आपको देती है ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो स्पीकर्स है ये मैं इंस्टॉलेशन वीडियो के वक्त आपको इनका कंपैरिजन भी दिखाऊंगा, जो आगे आपको वीडियो में देखने मिलेगा कि जब हमारे ऑडिसन के APK 165P की जो वेटेज है, जो हमारा स्पीकर है, जो उसका कोनिकल स्ट्रक्चर है वो आप लोग देखेंगे, और जो हमारे एक हाथ में कंपनी के स्टॉक स्पीकर्स है, एक डिफरेंशिएशन आपको समझेगा कि आप टॉप ऑफ द लाइन भी अगर आप गाड़ी लेते हैं तो कंपनी कभी भी स्टॉक स्पीकर्स इतने अच्छे नहीं देती है जो आपके ऑडियो रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर पाए। Z8 सीरीज़ है, हेड यूनिट काफ़ी अच्छा कंपनी ने दिया हुआ है, DTS आउटपुट के साथ है, बट उस आउटपुट को जस्टिफाई करने के लिए वो स्पीकर्स कंपनी ने नहीं दिए हैं, तो हमने काफ़ी अच्छे सेटअप को सजेस्ट किया और हमने ये किया। जब हम इतने हाई एंड स्पीकर्स लगाते हैं तो उसे वाइब्रेशन प्रूफ करने के लिए ये डैम्पिंग्स हमने इंस्टॉल किए, जो हाई रीज ऑडियो की डैम्पिंग है, ये भी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है। 1.8 mm थिकनेस के साथ आती है, एंड जब ये डोर्स के ऊपर लगती है तो इसकी रिजिडनेस और डोर्स की स्टडीनेस काफ़ी अच्छी और इम्प्रूव हो जाती है। इंस्टॉलेशन भी जो हम लोगों ने इस गाड़ी के अंदर किया हुआ है वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारी कंपनी के स्पीकर्स, जो ये टॉप एंड वेरिएंट स्कॉर्पियो एंड Z8 में लोगों को लगता है कि ऑडियो सिस्टम कंपनी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर रही है, तो ये एक काफ़ी गलत फहमी है। मैग्नेट आप लोग देख सकते हैं कि कितना बेसिक ये दिया हुआ है। 25 वॉट्स के 4 ओम के स्पीकर दिए हुए हैं सपोर्ट सिस्टम के। आउटपुट पेपर कोनिकल ये स्पीकर्स आते हैं, आउटपुट भी आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। जो प्रीमियम सेगमेंट के स्पीकर्स हमने इस डोर्स के अंदर इंस्टॉल किए हैं वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जो ऑडिसन के APK 165P का कॉम्पोनेंट है, खाली उसका एक वूफर जो डोर के अंदर लगता है, आप उसका खाली एक मैग्नेट देखिए कि कितना बड़ा ये मैग्नेट आता है एंड कितने पावरफुल ये मैग्नेट्स है। 330 वॉट इंटू 100 टाइम्स पावर जो कंपनी की स्पीकर की है, उससे इंटू 100 टाइम्स पावर इन स्पीकर्स की है। खाली आप एक लुक देख सकते हैं, एक मैग्नेट देख सकते हैं कि ये स्पीकर्स मेड इन इटली आते हैं, ये डिज़ाइंड होते हैं कम्प्लीटली, तो एक अच्छा ऑडियो, एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। दरवाज़ों में हमने जो हाई रीज की डैम्पिंग की हुई है 1.8 mm थिकनेस के साथ है, खाली उसका भी आप लोग एक ये देखिए एक डोर के अंदर रिजिडनेस कितनी आ जाती है जब हम डैम्पिंग करते हैं। एक डैम्पिंग भी बताना ज़रूरी था, जब इतने
हैवी ड्यूटी स्पीकर्स हम डोर्स के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वाइब्रेशंस काफ़ी प्रोड्यूस होती है, और इस वाइब्रेशंस को एलिमिनेट करने के लिए हमने डैम्पिंग को इंस्टॉल किया है। तो खाली एक स्पीकर का आप लोग प्लेसमेंट देखिए, और इन स्पीकर्स को हमने पावर किया है सोनी के GS4 एम्प के साथ, काफ़ी हाई लेवल सेटिंग इसके अंदर आती है, तो वेरी गुड एम्पलीफायर, एक अच्छे बजट में भी आ जाता है। तो ये इंस्टॉलेशन तो आप लोगों ने देखा, लेकिन जब ये साउंड प्ले होगा तो उसके बाद हमारे स्पीकर का भी आप लोग आउटपुट देखिए कि कितना बेहतरीन है। ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਬੇਵਾਨਾ ਭਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਕਮਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ ਕੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ। कंप्लीट वूफर आउटपुट, खाली डोर खोल के आप लोगों को दिखाना था कि ये स्पीकर्स दरवाजे के अंदर क्या कमाल करते हैं, एंड पूरी गाड़ी पैकअप होने के बाद भी हम लोग इसको एक गाड़ी के अंदर कंप्लीट सुनेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कैसा इसका आउटपुट था। एंड कंपनी के टॉप मॉडल के स्पीकर्स आप लोगों को फिर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि काफ़ी पेपर कॉइल ये आते हैं, बेसिक सी फोमिंग के साथ है। एंड ऑडिसन के स्पीकर्स आप लोगों ने देखे कि कितने अच्छे और कितने प्रीमियम लेवल के हैं। अगर आप ऑडियो के लिए एंथुजियास्ट हैं तो आप आ सकते हैं साई ऑटो में और अपनी गाड़ी को एक अच्छा ऑडियो टर्नआउट दे सकते हैं। पूरी गाड़ी के ऊपर हम लोगों ने PPF भी की है, प्लस सेरामिक कोटिंग भी की है। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी गाड़ी के अंदर हमने जो 9H की सेरामिक कोटिंग है पहले वो हम लोगों ने इस पे इंस्टॉल की है, और उसके बाद हम लोगों ने पूरी गाड़ी के ऊपर PPF किया है, द पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, क्योंकि जो कलर इस गाड़ी का है वो सिग्नेचर है अपने आप में ही। ये कलर आपको जल्दी कोई भी कंपनी के शोरूम्स में, कोई भी गाड़ियों में जल्दी नहीं देखने मिलता है, काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट ये कलर आता है, और इस पेंट को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, क्योंकि एक प्रीमियम सेगमेंट गाड़ी अपने पेंट से पहचानी जाती है। और एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी की PPF हमने पूरी गाड़ी के ऊपर इंस्टॉल की है। सिंगल डे इंस्टॉलेशन प्रोसीजर के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि हमने PPF भी इसके अंदर कितने ब्यूटीफुल और कितनी अच्छी डिटेल फिनिशिंग से इस चीज़ को लगाया है, जो हमारी गाड़ी को एक हाइड्रोफोबिक लेयर बना डालती है हमारी गाड़ी के ऊपर, आप लोग देख ही सकते हैं। सब कुछ इस गाड़ी में लोडेड था, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी रिक्वायरमेंट्स थी, बट साई ऑटो कभी भी फेल नहीं होता है उसे फुलफिल करने में। जो फ्रंट लुक है इस गाड़ी का, द फर्स्ट टाइम स्कॉर्पियो एंड में आप लोग हमारे यहाँ पे एक GT लाइन डिफ्यूज़र देख रहे हैं, द फ्रंट प्रोफाइल से खाली एक मस्क्यूलर लुक देखिए। ऑलरेडी हमारी गाड़ी काफ़ी मस्क्यूलर है, बट जब ये स्कॉर्पियो एन का डिफ्यूज़र इस पर इंस्टॉल हुआ है, ये कितना बेहतरीन लग रहा है, ये आप लोगों के सामने है। काफ़ी हैवी ड्यूटी ये लुक देता है और मटेरियल भी काफ़ी सॉलिड आता है। इसका फ़ायदा और बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि कभी कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर आता है तो पहले ये इसके कॉन्टैक्ट में आएगा, आपके ओरिजिनल बम्पर के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, तो ये सेफ्टी प्रोसीजर वाइज भी बहुत अच्छा है। इस गाड़ी के अंदर सन कंट्रोल फिल्मिंग भी हमने की है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये काफ़ी ही वाइड ग्लासेस के साथ आती है, इनके जितने भी फ्रंट ग्लास हो या साइड के हो या रियर हो, काफ़ी ज़्यादा वाइड ग्लासेस है तो हीट काफ़ी ज़्यादा अंदर आती है। तो गरवारे का जो न्यू प्रोडक्ट है, द सेफ्टी ग्लेजिंग आइस कूल्ड शील्ड SG सीरीज़ का, जिसके अंदर डिस्क्लेमर कंप्लाइंग विद द CMV रूल 100 Section 2, 3 and Section 3A, एवरीथिंग ये RTO ऑथराइजेशन के अंदर कम्प्लीटली आ जाती है। 48% हीट रिडक्शन के साथ है ये फिल्म जो हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल की है। शेड में हम खड़े हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोग इसका एक लुक देख पाएंगे कि फिल्म लगने के बाद गाड़ी कितनी खूबसूरत लगती है, हमारे ही कलर के साथ कितने बेहतरीन तरीके से ये ब्लेंड हो रही है। बट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी था एक RTO ऑथराइज्ड सन कंट्रोल फिल्म को हमारी गाड़ी के अंदर लगाना, क्योंकि जब इतनी वाइड ग्लासेस आपकी हो तो एक ओपनिंग बढ़ जाती है हीट अंदर आने की हमारी गाड़ी के अंदर, और हमारा काम है कि आपको इस धूप से हम प्रोटेक्ट करें, तो हमने एक हीट रिजेक्शन फिल्म भी इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल की। ऑडियो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग हमने लगाया है, कस्टमर भी हमारे साथ है स्कॉर्पियो गाड़ी के, मैं उनको बुलाना चाहूँगा पहले तो। हाय सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, हमारी शॉप पे,
एक ट्रस्ट लेके आप गाड़ी, कल ही आपने परचेज़ की गाड़ी और आज आप डायरेक्टली यहाँ पे लेके आए। एक पहले तो बहुत ही शानदार ये कलर है, हमारी वर्कशॉप में जब भी ये खड़ी थी सब कस्टमर्स आ रहे थे और देख रहे थे कि यार द न्यू स्कॉर्पियो एन आई है, Z8 वेरिएंट, एंड काफ़ी खूबसूरत ये है। ओवरऑल सर पूरा दिन आपका कैसा निकला, द इंस्टॉलेशन, द PPF सेरामिक एंड द ऑडियो सेटअप, जो एक म्यूजिक हमारी जान है जो हम पूरा टाइम ट्रैवल करते समय सुनते हैं, कैसा था सर ओवरऑल एक्सपीरियंस? नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था मुझे, मैं सेटिस्फाइड भी हूँ सब चीज़ों से। और मुझे, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि ये भी मैं यूट्यूब देख के यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि वाशिम में होता है, क्योंकि मैं रहता हूँ अंधेरी में, तो मैं यूट्यूब देख के इधर आया हूँ। और जब मुझे मालूम पड़ा कि आप इंस्टॉलेशन अच्छा करते, इस वजह से मैं इधर आया हूँ आज। थैंक यू सर। तो इसी तरीके से लोग एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं और परफेक्शन लेके जाते हैं, क्योंकि जो ये गाड़ी कुछ खास थी और उसे भी हमने कुछ खास तरीके से एक अलग आउटपुट देने की कोशिश की, एंड ऑडियो का भी आउटपुट हम लोग सुनेंगे सर के साथ और जानेंगे कि किस तरीके से ये ऑडियो आप लोगों को एक एक्सपीरियंस। एम्बियंस लाइट भी आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर जो इतना डार्क थीम इंटीरियर आता था उसको कैसे हम लोगों ने एनलाइट किया हुआ है, चाहे वो हमारे चारों डोर्स क्यों ना हो, हमारी फुट सेगमेंट क्यों ना हो, और हमारे इनर हैंडल्स जिन लीवर्स के साथ हम लोग ये डोर्स को ओपन एंड क्लोज करते हैं, कम्प्लीटली एक एम्बियंस का फील जब आप ड्राइव करते हो, तो हमने ये चार डोर्स के अंदर इंस्टॉल किया है। आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना शानदार इसका लुक है, एंड मोबाइल ऐप बेस्ड ये आता है कम्प्लीटली, काफ़ी कलर ऑप्शंस इसके आते हैं, कलर्स भी आप लोग ऑफ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा ही कि गाड़ी के अंदर कितना शानदार है। तो अब आते हैं ऑडियो पे, जो आज का पूरा वीडियो इस पे डेडिकेटेड है। तो यही पे हम आज का वीडियो एंड करते हैं। तो इतना ही था दोस्तों आपके लिए, बस बाकी का ऑडियो हम खुद एंजॉय करेंगे, और बाकी अगर आप पे भी, आपको भी एंजॉय करना है तो आपको साई ऑटो आना पड़ेगा इसी के लिए।